backpack! Hurrah! Police your backpack! Hurrah! Police your backpack! Hurrah! Police your backpack! Hurrah! Police your backpack! शिकार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें जी से भी। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाहने वाले लोग उसे नहीं छोड़ते। तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है। सोचो ये लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। चुपचाप ये हथकड़ी खोल दो, लोगों के सामने मुझसे माफी मांग लो। मैं इन्हें समझा बुझाकर शांत कर दूंगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे। चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। ये हमारे अन्नदाता है। हमारी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद इन्हें ले जा सकते हो। देवता समान आदमी के हाथ में हथकड़ी लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम लाशें बिछा देंगे, समझे? देखो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कानून को अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। हाथ में बंदूक है तो तुरंत खा समझ रहे हो? हिम्मत है तो चला गोली। हाँ हाँ चला गोली। सिंघानिया साहब के लिए हम हंसते हंसते जान दे देंगे। चला गोली। अरे ऐसे गोली चला दी इन पे। मेरे पांच आदमी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जवाब मैं नहीं, ये लोग खुद देंगे। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया। तूने इन शरीफ लोगों की भीड़ में अपने 50 गुंडे खड़े कर दिए शरीफ बनाकर। मैंने 5 पुलिस के आदमियों को इसी भीड़ में खड़ा कर दिया गुंडा बना। इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा, समझे? चल। नमस्कार। हाँ तो डीसीपी आजाद साहब, शंकर सिंघानिया जी आपको आतंकवादी लगते हैं? आपको गांधीवादी लगते हैं? देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता। क्या आप अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंघानिया का किसी भी तरह का रिश्ता टेररिस्ट वसीम खान के साथ है? हाँ मैं साबित कर सकता हूँ कि शंकर सिंघानिया का हर तरह का रिश्ता वसीम खान के साथ है। अच्छा, इसके लिए कितने गवाह खरीदे आपने? गवाह खरीदने और बेचने का धंधा आप जैसे कानून के दलाल करते हैं। जबान संभाल के जवाब दीजिए डीसीपी साहब। दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजिए वकील साहब। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वकील साहब आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए। यस योर ऑनर। योर ऑनर मैं इनके गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस प्रोसीड। योर ऑनर मेरा गवाह कुछ ही देर में अदालत में हाजिर होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मनोज, रहीम, बल्लू, विवेक कहां गए? सर मैंने उनको बहुत ढूंढा, वहां पर कोई नहीं है। क्या योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, इंतजार का कोई मतलब ही नहीं। डीसीपी आजाद कोई गवाह पेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। मिस्टर आजाद आपको क्या कहना है? आई एम सॉरी ऑनर। अदालत शंकर सिंघानिया को बाइज्जत रिहा करती और पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न करती है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, गवाह ना हो, किसी भी शरीफ शहरी को अदालत में लाकर परेशान ना किया जाए। मैं
भाई बहुत अच्छे तरीके से की तारीफ है। जी जी हाँ। अरे मुबारक हो सिंघानिया साहब। पेशेंस क्यों डीसीपी आजाद, बहुत गुस्सा आ रहा है? जो लोग जोश में आकर होश खो देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वसीम खान के साथ तुम मेरा रिश्ता साबित करना चाहते थे ना? सीना ठोक कर कह रहा हूं उसके साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर सकता। तुम्हारा गवाह अदालत नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया, और अगर वो पहुंच भी जाता तो क्या कर लेता? इस जज को मैं खरीद लेता। इस देश में सब कुछ बिकता है, बस सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। मुझसे दोस्ती करोगे तो उसकी पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और अगर दुश्मनी करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत लेनी है या चुकानी है, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम लोग क्या कीमत लगाई है तुम लोगों ने मेरे भरोसे की? मैं बताता हूं सर, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। हा? क्या हुआ भाभी, क्या हुआ बच्चों को? वो शंकर सिंघानिया के बेटे ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। कह रहा था कि उसका कोई आदमी तुम लोगों के पास कैद है, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मेरे कर्तव्य राना को मार डालेंगे। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, प्लीज उस आदमी को छोड़ दीजिए, प्लीज। नहीं भाभी, हम उसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को बचा। मनोज छोड़ उसे। मामी, देखिए मैं आपके आदमी को लेकर आई हूँ। आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं इसे लेकर आई तो आप मेरे बच्चों को छोड़ देंगे। आप तो मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। ए, छोड़ दो ने।